पाठक और प्रकाशक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसमें पहले से चली आ रही परंपरागत पुस्तकें अब लोगों को कभी भूले बिसरे चित्र की तरह से हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मनुष्य के लिए पुस्तक से अच्छा मित्र नहीं मिल सकता है। तो इस नाते जब हरनोट जी ने मुझसे इसका प्रस्ताव किया तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं मित्रों का बाजार देखने चला और आज मुझे प्रसन्नता है कि भूली बिसरी बातें, भूली बिसरी यादें जो है उसमें अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिस पुस्तकों को देख करके प्रसन्नता हो रही है कि मैंने इसे पढ़ा था। तो सबको इसके लिए यहाँ आना चाहिए, आकर के अपने अनुसार जो भी साहित्यकार उनको उपयुक्त लगे उनकी पुस्तकों खरीदना चाहिए और खरीद करके पढ़ना चाहिए। यही इस मेले की प्राथमिकता जिस आधार पर यह स्थापित किया गया है और उसकी उपयोगिता से। आप आ जाओ ना, आप पीछे आ जाओ, फोटो लो साथ साथ। हां हां, क्या कर रहे हैं दीदी? कर लो जाओ मेरे प्रधान का। जाओ यार, कौन है? पीछे ले, पीछे ले यार। शब्दों का जो संसार छोटा सा बसा है सर, उसकी तरफ से सभी लोगों की तरफ से ही अटल बिहारी वाजपेयी की फोटोग्राफ है। हाँ, चांदनी चौक की गलियां आबाद हो गए। हम कोशिश करते थे शिमला सी जगह पे लगे ये। हाँ जी, अब सोचिए कि क्लास फोर्थ से इन्होंने अपनी सर्विस शुरू किया और आज अमर हो गया है। बहुत चर्चित है क्योंकि ये चर्चित बच्चों से बहुत चर्चित है। और हरनोट जी, विक्रम मुसाफिर जी, ओम ठाकुर राइटर, जन वेबसाइट जी, जी सारे हिमाचल के राइटर हैं जी हमारे आपकी दो पुस्तकें मैंने पढ़ी। अपने यहाँ से अभिषेक जी सर, अपने यहाँ से
जो कई भी जगह सेक्रेटरी से यहाँ से खरीदवा करके ये पूरा ये और लाइब्रेरी में रखवा दे संपूर्ण बाबू मूर्ति कौन है वही हाँ जी हाँ जी जी नारायण मूर्ति हाँ जी अच्छी बात है कि हर लेवल के लेवल लोगों को उसमें पाठक और प्रकाशक दोनों एक दूसरे का पूरक है। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें पहले से चली आ रही परंपरागत पुस्तकें अब लोगों को कभी भूले बिसरे चित्र की तरह से हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी मनुष्य के लिए पुस्तक से अच्छा मित्र नहीं मिल सकता है। तो इस नाते जब हरनोट जी ने मुझसे इसका प्रस्ताव किया तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं मित्रों का बाजार देखने चल रहा हूँ और आज मुझे प्रसन्नता है कि भूली बिसरी बातें भूली बिसरी यादें जो है उसमें अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिस पुस्तकों को देख करके प्रसन्नता हो रही है कि मैंने इसे पढ़ा था। तो सबको इसके लिए यहाँ आना चाहिए आकर के अपने अनुसार जो भी साहित्यकार उनको उपयुक्त लगे उनकी पुस्तकों को खरीदना चाहिए और खरीद करके पढ़ना चाहिए। यही इस मेले की प्राथमिकता जिस आधार पर यह स्थापित किया गया है और उसकी उपयोगिता से मोबाइल के दौर में सर जो युवा हैं उनका पुस्तकों की ओर कम ध्यान होता है मोबाइल की तरफ ज़्यादा, तो आपको लगता है कि ये भी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ किताबों पर भी ध्यान रखा जाए? मुझे लगता है कि अगर उनका मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान है तो मैं उससे उनको वर्जित नहीं करूँगा, लेकिन अपने मोबाइल में इन्हीं पुस्तकों को ले लें और उसी को पढ़ें तो अच्छा रहेगा। सर आज योग दिवस भी है, एक तरह प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में योग के प्रचार प्रसार और फायदे गिनवा रहे हैं, लेकिन आज सुबह कार्यक्रम था प्रदेश सरकार के ना कैबिनेट मंत्री थे ना शहर के मेयर, उदासीनता लग रही है। देखिए सवेरे मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन जिस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें मुझे कहने में हिचक नहीं है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो कि ये 138 से 140 देश आज योग को अपना करके कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की उदासीनता निश्चित रूप से असहनीय है, उसको सहन नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ को राजनीति से नहीं तोड़ना चाहिए जो प्रदेश सरकार ने किया है, इससे आगे नहीं करूँ। शब्दों का जो संसार छोटा सा बसा है सर उसकी तरफ से सभी लोगों की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी की आगे